वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौर में जब सिनेमा घर और फिल्म निर्माता सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली ने बहुचर्चित फिल्म RRR को इस साल 13 अक्टूबर को रिलीज करने के ऐलान से हर किसी को अचंभित कर दिया है। लोग हैरान इसलिए हैं क्योंकि उसी दिन यानी 13 अक्टूबर को बोनी कपूर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म मैदान को रिलीज करने की घोषणा 6 महीने पहले की जा चुकी है। वहीं अब फिल्म मैदान के निर्माता बोनी कपूर ने RRR मेकर्स के फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदलेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। वहीं बोनी कपूर ने आगे बताया कि RRR के मेकर्स ने अजय देवगन से रिलीज डेट के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही कारण है कि अजय देवगन RRR के मेकर्स से खासे नाराज हैं। यही कारण है कि उन्होंने RRR की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी नहीं किया है। बोनी कपूर के अनुसार फिल्म मैदान का डायरेक्शन अमित शर्मा ने किया है। उनकी आखिरी फिल्म बधाई हो सुपरहिट रही थी। इन दिनों वैसे ही कंटेंट किंग है तो मेरी फिल्म अपने आप ही बोलेगी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में दशहरा और उसके बाद ईद है, जिस कारण फिल्म के पास अच्छी कमाई करने का पूरा मौका होगा। मैंने अब सब कुछ फिल्म की किस्मत पर ही छोड़ दिया है। बोनी कपूर ने आगे बताया कि राजमौली की फिल्म RRR पर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें RRR के मेकर्स राजमौली से काफी शिकायत है। उनकी नज़रों में जिस डायरेक्टर ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्में दी हैं, उसे राजमौली के लिए दशहरे जैसे त्यौहार या फिर वीक की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यह सोचने वाली बात है। बता दें कि बोनी कपूर ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन करने से भी साफ मना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो 15 अक्टूबर को ही मैदान रिलीज करने वाले हैं। वहीं RRR की बात करें तो यह फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।